चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ग्रेविटेशन के अंदर शेल्स, एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी ये सब कुछ किया। शीट नंबर 100 में शेल प्रॉब्लम्स थी। इसके अंदर शेल प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम मैंने डिस्कस नहीं की थी, वहां से मैं शुरू करता हूं। ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस नहीं की थी। शीट नंबर 100 है, 100 के का लास्ट पेज है पेज नंबर 3, जिसमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। इसको एक बार प्लीज देखना, इसको एक बार देखो कैसे करना है। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ प्लैनेट इज सेम एज एट डेप्थ आर, फाइंड रो वन एंड रो टू। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। नॉर्मली हम जो अर्थ लेते हैं उसकी डेंसिटी एक ही लेते हैं, और हम क्योंकि डेंसिटी एक लेते हैं, हम एक मटीरियल से बनी हुई अर्थ को लेते हैं। इसने क्या कहा कि दो मटीरियल्स हैं, आर रेडियस तक डेंसिटी अर्थ की रो वन है और R से लेके 2R के बीच में डेंसिटी रो टू है। दो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है अर्थ, कोई डाउट इसमें? आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, सरफेस के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकाला जाए उसकी वैल्यू सेम है। कहां पर? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर? एट डेप्थ R, एट डेप्थ R। मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां निकालूं या यहां निकालूं, आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन है फाइंड रो वन इज टू रो टू, ये क्वेश्चन है। ठीक, एक काम करें, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लें। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे निकालते हैं। चलो सरफेस पे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे क्या होगी? जी मास m1 प्लस m2। क्यों? अर्थ का टोटल मास लिया जाता है। जब हम स्मॉल g निकालते थे, हम जहां पर खड़े हैं, अगर हम सरफेस पे खड़े हैं तो अर्थ का टोटल मास लेना है, और अगर हम डेप्थ पे जा चुके हैं, जैसे अगर हम सरफेस पे खड़े हैं तो हमें अर्थ का टोटल मास लेना होता है, लेकिन अगर हम स्मॉल r डिस्टेंस पे खड़े हैं तो यहां पर हमें सिर्फ स्मॉल r का मास लेना होता है। याद है मैंने करवाया था डेप्थ के केस में, सेम रूल लगेगा इसमें। तो अगर हम सरफेस के ऊपर g निकालते हैं तो g टोटल मास अर्थ का m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय रेडियस कितने है? 2r का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक। लेकिन जब मैं, और हां, क्योंकि m1 की वैल्यू यहां पर क्या होगी? M1 यहां पर होगा टोटल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो वन। और इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई 2R का क्यूब माइनस R का क्यूब इंटू डेंसिटी रो टू। तो टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर। तो ये G कहां पर आया? एट सरफेस पे आ गया। कोई डाउट इसमें? सरफेस पे आ गया जी। अब एक काम करते हैं, अब हम जी निकालते हैं कहां पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। देखो जब मैं यहां पर जी निकालता हूं तो अब मास कौन सा लेना है मुझे? सिर्फ एम वन, क्योंकि जब मैं यहां पर हूं तो मुझे सिर्फ ये वाला मास लेना है, और ये वाला मास कितना है? एम वन। और डिस्टेंस भी क्या लेना है? ये वाला आर का स्क्वायर, जी एम वन बाय आर का स्क्वायर। करेक्शन करो,
जी एम वन बाई आर का स्क्वायर, करेक्शन करो, आर स्क्वायर करो, ठीक। तो यहां पर एम वन की वैल्यू क्या होगी, रो वन इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 πr³। तो ये जी की वैल्यू कहां पर आ गई, एट डिस्टेंस आर, ये जी की वैल्यू कहां पर आ गई, एट सरफेस। इन दोनों को इक्वेट कर लें, जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो आर आर जी जी सब कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पे रो वन इज टू रो टू की रेशियो क्या आएगी, 7:3। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, 7:3, ठीक। मतलब सॉल्व आपने करना है, पर टेक्निक समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि जब डेप्थ के ऊपर या डेंसिटीज जब चेंज होती हैं, तो कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है। फिर एक बार क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को प्लीज पढ़ना, इस क्वेश्चन को रीड करें। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं ध्यान से, स्पेशली मेडिकल वाले, क्योंकि नॉन मेडिकल वालों को फिर भी आदत है ऐसा कुछ पढ़ने की, आदत होगी मैथ्स वालों को, मेडिकल वालों को आदत नहीं होती। अ नॉन होमोजीनियस स्फेयर, होमोजीनियस का मतलब जिसकी डेंसिटी सेम है, नॉन होमोजीनियस का मतलब जिसकी डेंसिटी वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, डी फॉर डेंसिटी, डी नॉट है, डेंसिटी डी नॉट लेनी है कब, अगर आपका डिस्टेंस आर ए बाई थ्री से कम है। तो ये आर मान लो ए बाई थ्री है, तो जब तक आप ए बाई थ्री तक की रेंज में है, तब तक डेंसिटी कितनी है, डी नॉट है। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस आर ए बाई थ्री से ज्यादा और ए से कम है, तो डेंसिटी डी नॉट बाई टू है। तो अगर आपका डिस्टेंस ए बाई थ्री से ज्यादा है और ए से कम है, तो ये वाला हिस्सा आता है, इस हिस्से में डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, डी नॉट बाई टू है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, तो मतलब वो क्या बताना चाहता है इस स्टेटमेंट से, आपको ये समझ में आ रहा है। आगे वो कह रहा है कि इसमें फाइंड ई, मुझे ई निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको याद हो, कहां पर, एट ए बाई टू। अब ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि ए बाई टू का जो डिस्टेंस होता है वो ए बाई थ्री से तो बड़ा होता है, लेकिन ए से छोटा होता है। तो कहीं यहां कहीं ले लें ए बाई टू, तो इस पॉइंट पर कहीं पर भी, चाहे यहां निकाल दो, चाहे यहां निकाल दो, चाहे यहां, चाहे यहां, मुझे क्या निकालना है, ए बाई टू डिस्टेंस पे ई निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन समझना भी तो एक टेक्निक है बहुत बड़ी, और इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ी सोचना पड़ता है कि क्या गिवन है, कोई डाउट इसमें, ठीक। सॉलिड स्फेयर है, ये समझ में आता है, ये भी समझ में आता है कि सॉलिड स्फेयर में की के अंदर फिर से दो दो डेंसिटीज हैं, यहां पर डेंसिटी डी डी नॉट है और यहां पर डी नॉट बाई टू है, ठीक, ये डेंसिटीज हैं। तो इस केस में किसी ने कहा कि क्यों ना ऐसा करे कि अगर एक सॉलिड स्फेयर है, तो सॉलिड स्फेयर के इनसाइड ई का फॉर्मूला हमें आता है। कैसे आता है, आज के टेस्ट में भी तो आएगा ये फॉर्मूला, बोलो क्या याद करके आए हो, जी एम स्मॉल आर बाय, हाँ बिल्कुल सही, ठीक याद करके आए हो, है ना, ये फॉर्मूला। तो क्यों ना ऐसा फॉर्मूला लगा दें, कितने लोग एग्री करते हैं, हाँ सही है, इनसाइड का फॉर्मूला लगेगा, कितने लोग कहते हैं नहीं लग नहीं पाएगा इसमें, वैसे लगता है पर इसमें लग नहीं पाएगा, और क्यों, नॉन यूनिफॉर्म स्फेयर है,
ये फॉर्मूला तब लगता था जब एक जैसा मटेरियल का बना हुआ स्फेयर है, यानी कि डेंसिटी सेम है, होमोजीनियस है, लेकिन वहां पर स्फेयर होमोजीनियस नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसका मतलब अब मुझे यहां पर ई का क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना ही पड़ेगा। बड़ा आसान है, ई जो होता है और जो स्मॉल जी होता है, बात तो एक ही होती है। लास्ट टाइम भी बताया था, स्मॉल जी भी जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ई भी स्मॉल जी जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर ई ई निकालना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ई का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। जी मास क्या लें, मास लेंगे ऑफ रेडियस कितना, ए बाय टू। ए बाय टू मास किसका लेंगे, ऑफ रेडियस ए बाय टू, क्योंकि हम डेप्थ पे हैं, और डेप्थ पे मास कौन सा लेना होता है, जहां पर हम खड़े हुए हैं उसके नीचे नीचे का मास, ये वाला ए बाय टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में रेडियस क्या लेंगे, ए बाय टू का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है, ए बाय टू का होल स्क्वायर। तो कुछ अगर याद ना आए तो ये फॉर्मूला सबको याद आ ही जाता है, बस इसमें मास चेंज करना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप रादर इसके अंदर भी ये फॉर्मूला भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम फॉर्मूला लगाएं, जी इतने पोर्शन का मास अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो भी आंसर सेम आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब एक चीज बताओ, मास कौन सा लेना है ऑफ रेडियस ए बाई टू, यानी कि ये वाला मास प्लस ये वाला डॉटेड वाला मास, ये वाला तो आएगा मास टोटल। इसका मास क्या होगा, इसका वॉल्यूम बोलो, 4/3 पाई ए बाई थ्री का होल क्यूब करो, करेक्शन करो, क्यूब आएगा यहां पे, 4/3 पाई ए बाई थ्री का होल क्यूब करो, यहां भी क्यूब करो और इधर देखो यहां भी क्यूब करो, ये वाला भी क्यूब है और ये वाला भी क्यूब है, दोनों क्यूब है, ठीक। फिर देखो तो मेरे को मास कौन सा लेना है, पहले ब्लू कलर के अंदर का मास लें, ब्लू कलर के पोर्शन का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई ए बाय थ्री का होल क्यूब, और डेंसिटी कितनी है, डी नॉट। और ये डॉटेड वाले और इस ब्लू के अंदर मास निकालें, इसका वॉल्यूम बोलो क्या है, 4/3 पाई ए बाय टू का क्यूब माइनस 4/3 पाई ए बाय थ्री का क्यूब, तो ये वाला वॉल्यूम आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी डी नॉट बाय टू से, जो भी मास आएगा उसको उठा के पुट करेंगे, तो ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। टेक्निक समझ में आई कि जब अर्थ की डेंसिटी चेंज होंगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ओके। तो इस शीट के बाद, 100 शीट के बाद, शीट नंबर 101, शीट नंबर 101, देखो वन जीरो वन के अंदर ये कुछ दो तीन क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं, जब हमने एनर्जी कंजर्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स की थी उसमें ऑब्जेक्टिव शीट में कुछ प्रॉब्लम मार्क करके दी थी, ये वही प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो जब एक ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके हाइट आर तक, तो यहां से यहां लेके जा रहे हैं आर डिस्टेंस पे, तो यहां पर इनिशियल एनर्जी निकालो माइनस जी एम एम बाई आर, और यहां पर माइनस जी एम एम बाई टू आर, तो चेंज एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दोनों को माइनस करेंगे कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, बिल्कुल सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ये किया हुआ है, रॉकेट वाला क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में किया है, ऑलरेडी डन, ये करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज,
क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट बताओ बॉडी क्या कवर करेगी। तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम है जिसमें हाइट निकालनी होती है उसमें क्या लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम, तो वन पॉइंट पर पोटेंशियल किसके इक्वल है, सरफेस ऑफ अर्थ पे माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। काइनेटिक हमने दी हाफ ऑब्जेक्ट का मास, क्योंकि काइनेटिक किसको मिली, अर्थ को नहीं मिली, तो अर्थ का मास लेना, ऑब्जेक्ट का मास इनटू कितनी वेलोसिटी दी हमने 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, और इस हाइट पर पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच और काइनेटिक कितनी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक जीरो। तो ये एज इट इज एस्केप वेलोसिटी 3/4 का स्क्वायर, एस्केप क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सेम। तो इसको ओपन करेंगे, टर्म्स कैंसिल होंगी, टर्म्स कैंसिल करके एच आएगा, एच की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज मूव्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ टिल द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mgr बाय 2, व्हाट इज द हाइट टू व्हिच बॉडी इज टेकन। तो आप यहां से यहां लेके आए हैं h हाइट, तो इंक्रीज इन एनर्जी गिवन है, यहां पर काइनेटिक काट दिया जाए क्योंकि पोटेंशियल पोटेंशियल का इंक्रीज गिवन है, पोटेंशियल इनिशियल माइनस जी एम एम बाई आर है और एच हाइट पर माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच है, इनका जो चेंज है वो कितना गिवन है, एम जी आर बाई टू। तो जी एम एम कॉमन आ गया, जी एम एम कॉमन में से कैपिटल जी एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे एच आर के इक्वल आ जाएगा। मेथड क्लियर है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगी इसमें, एनर्जी का चेंज कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन किया हुआ है 2% वाला ऑब्जेक्टिव में, सेम क्वेश्चन है, ये नहीं किया, इसको एक बार देखें प्लीज। क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल अटेन्स एस्केप वेलोसिटी व्हेन बोथ एनर्जीज आर इक्वल, मतलब वैसे ही ऑब्जेक्टिव था बट मैंने इसको एज अ प्रूफ की फॉर्म में करवाया। तो एस्केप वेलोसिटी के साथ एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, एस्केप वेलोसिटी होती क्या, अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाई आर, तो मैंने उसे कितनी काइनेटिक एनर्जी दी बताओ, हाफ एम एस्केप का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड का माइनस साइन हटा के इनका मैग्नीट्यूड सेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज, किया हुआ है सच ये भी, इंटरस्टीलर वाला, रॉकेट को फायर किया गया विद अ स्पीड ऑफ 2 इनटू अंडर रूट ऑफ जी आर नियर अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ से, एंड मूव्स अपवर्ड ताकि वो कहां पर चला जाए, इंटरस्टीलर स्पेस में चला जाए, तो स्पीड बताओ वहां पे क्या होगी। तो इंटरस्टीलर का मतलब मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव के अंदर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस को बोलते हैं। तो जब वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो उसके पास काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर जो मैंने दी, पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर। फिर इंटरस्टीलर में आर क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, और काइनेटिक क्या हो गया, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। तो वी डैश कैन बी कैलकुलेटेड, कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करना होता है, तो सॉल्व करके आंसर आएगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था मास ऑफ सन, ये भी प्रॉब्लम हमने कर ली थी, ये कर लिया हमने, ये नहीं किया सैटेलाइट विद एनर्जी।
सैटेलाइट विद काइनेटिक एनर्जी ई, एक सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी ई है, वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के आसपास सर्कल में, मिनिमम एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मैं उसे कितनी दूं ताकि वो कहां पर चली जाए, आउटर स्पेस में, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाए। तो सैटेलाइट जब घूम रही थी उसके पास कौन सी वेलोसिटी थी? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में वैसे रेडियस कैपिटल आर होता है, पर यहां पर मान लो ये अर्थ है, तो अगर ये कैपिटल आर है, ये एच है, तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या लिया जाता है? अंडर रूट ऑफ टू, नहीं, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस, कभी कभी ये डायरेक्ट डिस्टेंस आर गिवन होता है तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? आर। तो ये जरूरी नहीं कि कैपिटल आर ही होगा, स्मॉल आर के साथ भी चलेगा, ठीक। वेयर आर का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका मतलब ये होता है। तो ऑर्बिटल है तो उसके पास एनर्जी ऑलरेडी काइनेटिक ई है, इसके पास ऑर्बिटल है, एनर्जी है कितनी? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। सॉल्व किया तो आपके पास ये टर्म आ गई, और ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज इक्वल टू ई, ई कर दिया। मेरे को उसको एस्केप करवाना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एस्केप जितनी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? हाफ एम वी का स्क्वायर, वी की जगह अंडर रूट ऑफ टू जी एम बाई आर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन आप चेक करो इसकी वैल्यू, यहां से निकाल लो, टू इधर चला गया तो क्या आ गया? टू ई। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको एस्केप करवाने के लिए, इतनी एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी थी, मेरे को एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? टू ई। तो एडिशनल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? टू ई में से ई क्या, कितना? ई। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या गिवन है कि दो ऑब्जेक्ट्स, एक छोटा मास, एक बड़ा मास m, शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे और रेस्ट पे थे, ठीक है, पड़े हुए थे, बहुत दूर है। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो एक दूसरे के पास आने लगे। क्यों पास आने लगे? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन्हें पास ला रही है। तो पास आते जा रहे किसी भी इंस्टेंट पर उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? डी। तो जब इनके बीच में डिस्टेंस डी हुआ, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अट्रैक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है इनकी क्या होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी क्या? बड़े वी में से छोटे वी को क्या कर देना है? माइनस। लेकिन छोटे वी के आगे माइनस वी लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इन ऑपोजिट
डायरेक्शन, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। वैसे भी वेक्टर का रूल है, जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए v प्लस वी हो जाता है। तो v प्लस वी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए पहले मेरे को छोटा v चाहिए, फिर मेरे को बड़ा v निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मासेस पास आ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी इंटरनल ग्रेविटेशनल की फोर्स है जिनको पास लेके आ रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे अप्लाई नहीं किया। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो। ठीक, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या हुआ कि m1 into v1 plus they are traveling in opposite direction, m2 into v2, m1 plus m2, तो मैं लिख सकता हूं m1 v1 is equal to m2 v2, right? तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप क्या लगा, small m into small v is equal to capital m into capital v, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो पहली क्वेश्चन क्लियर हो गई। दूसरी इक्वेशन, जब ये स्टार्टिंग में इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे और रेस्ट पे थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बोलो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में क्या थी? जीरो। आर इनफाइनाइट था तो जीरो, और रेस्ट पे थे तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। तो टोटल एनर्जी शुरू में क्या थी? जीरो। तो एक साइड जीरो, इनिशियल एनर्जी क्लियर है। अब क्या हुआ, जब ये डी डिस्टेंस अपार्ट है, इनमें पोटेंशियल है कितनी? माइनस जी एम एम बाई डी, और दोनों के पास काइनेटिक भी है, छोटे वाले पार्टिकल के पास हाफ एम वी स्क्वायर, बड़े के पास भी हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी जीरो, फाइनल एनर्जी जो अब सिचुएशन है उसमें काइनेटिक भी है, उसमें पोटेंशियल भी है, लेकिन ये इस तरीके से है कि इनका सम क्या आएगा? जीरो। क्या इक्वेशन क्लियर है? तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू तैयार हो गई। इक्वेशन नंबर वन एंड टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, एक छोटा वी एक बड़ा वी। तो आप इस स्मॉल वी को कैपिटल एम वी बाई एम को यहां कहीं पुट कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो स्मॉल वी की वैल्यू आएगी। स्मॉल वी की वैल्यू मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करना तो ये वैल्यू आएगी। स्मॉल वी को यहां पुट करोगे तो कैपिटल वी भी आ जाएगा, छोटा वी भी आ गया, बड़ा वी भी आ गया। और हमने क्या निकालना है? वी प्लस वी रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी और वी दोनों वेलोसिटीज आ गई हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू दैट इज माइनस के बाय टू आर स्क्वायर। इसकी टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी का मतलब क्या? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो यू अगर पता है तो सबसे पहले काम करते हैं फोर्स निकालते हैं। एफ क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर
यू की जगह ये वैल्यू को पुट किया, माइनस माइनस प्लस, के बाई टू बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, आर एस टू पावर माइनस टू, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, माइनस टू आर एस टू पावर माइनस थ्री, तो ये आएगा। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब फोर्स आती है उसमें नेगेटिव आता है सर्कुलर मोशन में, नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है टूवर्ड सेंटर, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का सिर्फ कितना है, के बाई आर क्यूब। ये फोर्स बॉडी को सर्कल में घुमा रही है, तो ये एग्जैक्टली क्या होगी, सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेट कर दें, इसे इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके आपके पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इस एम वी स्क्वायर को उठा के पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आ गई, हमने टोटल एनर्जी निकालनी है, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन है यू, काइनेटिक हमने निकाल ली, इन्हें ऐड किया तो आंसर क्या आया, जीरो। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक? वो तो तब होता है जब पोटेंशियल जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाय आर होता है, फॉर्मूला चेंज कर दिया उसने ग्रेविटी का, हर बार नहीं होता। ये प्रॉब्लम हमने कर ली, ये प्रॉब्लम हमने कर ली लास्ट टाइम, ये प्रॉब्लम भी हमने कर ली, बाकी सारा हो गया। चलो ये शीट को भी क्लोज करते हैं, ठीक। 102 तो मेरे ख्याल से कंप्लीट सारी हो गई थी, इसमें कुछ पेंडिंग हो गई थी? 102 पूरा कंप्लीट है, राइट। वन जीरो फोर में ये क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस कर लिया था, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था, ये भी कर लिया था, और हमने आज ये वाला क्वेश्चन करना है। एक बार प्लीज देखो, कितनों को नहीं मिली 104? एक दो तीन, ओके। 104 के इस क्वेश्चन के अंदर जेई मेंस का इस साल का क्वेश्चन है, वैसे सारे वैसे जिन्होंने मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए, कितने लोगों ने ट्राई किया था, पुराने ऑब्जेक्टिव ट्राई किए थे, हो गए थे, हो रहे हैं।
stars of masses given, दोनों का मास आपको गिवन है each, and at a distance of 2 × 10^11 meter उनके बीच में डिस्टेंस है, रोटेट इन अ प्लेन अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास ओ, तो एक प्लेन में रोटेट करते हैं, सेंटर ऑफ मास ओ है। तो होता क्या है कि जैसे डायग्राम साथ साथ देख लेते हैं, तो इस डायग्राम में ये गिवन है कि ओह एक शीट मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गई ना, ये रहा, ये आपके इसमें शायद नहीं होगी, कुछ में है कुछ में नहीं होगी। देखो तो इसके अंदर कुछ ऐसा है कि दो मासेज हैं, एक ऑब्जेक्ट इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ पे हमने वी वेलोसिटी से फेंका ताकि वो ग्रेविटेशन इन दोनों स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, इंटरस्टीलर स्पेस में चला जाए। आपको बताना है इसकी वेलोसिटी वी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, क्योंकि इनका टोटल डिस्टेंस कितना है 2 × 10^11, तो आधा आधा डिस्टेंस क्या होगा, आर इज 2 × 10^11/2। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है और जो इन्फिनिटी पे है तो टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, जब वो यहां पे है तो उसको हमने काइनेटिक दी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पर इस स्टार की वजह से पोटेंशियल कितनी है, -gmm/r, और इस स्टार की वजह से -gmm/r। किसी ने कहा कि इनकी भी तो एनर्जी होगी, तीन पेयर ऑफ एनर्जी होती है ना, इनकी नहीं लेनी क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ लेनी है, तो टोटल एनर्जी इसकी और इसकी ले ली, इस स्टार और इसकी ले ली, तो दो पेयर ऑफ एनर्जी प्लस काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, तो जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, और काइनेटिक भी जीरो। काइनेटिक इसलिए जीरो क्योंकि इसको मिनिमम वेलोसिटी से फेंका गया, इस क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी से फेंका गया होता फिर वो इन्फिनिटी पे जाके किसी वेलोसिटी से मूव करता, बस हमने उसको ग्रेविटेशनल पुल को कवर ही करवाया ताकि वहां पे जाके वो किस पे आ जाए, एट रेस्ट। तो यानी कि काइनेटिक भी हमने क्या कर दी, जीरो। सॉल्व करके वी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, यहां तक क्लियर है, यहां तक कि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी जब कोई ऑब्जेक्ट चला था वहां पे और जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया वहां पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और बेटर तरीका और बढ़िया टेक्निक मेरे पास है, कई बार एनर्जी नहीं स्ट्राइक करती तो इस टेक्निक को सीखेंगे। मैं इसमें लिखा नहीं है, तो कहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक, देखो सपोज करो, राइट, किसी शीट के पीछे लिख दो, अगर जगह है तो कहीं भी लिख लो। लेट अस सपोज आपके पास ये एक अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है एम, ठीक है, एक बॉल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी, -gmm/r, यही होगी। और अगर मैं ये कहूं कि अगर ये अर्थ है इस पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो अर्थ का क्या होगा, -g/r, क्योंकि बॉल पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है। अगर आप टू इक्वेशन को वन से डिवाइड करेंगे तो -gmm/r -gm/r सॉल्व करेंगे तो सिर्फ m आ जाएगा, तो u क्या जाएगा, स्मॉल m इनटू v। ये फॉर्मूले को नोट कर लें, मैं बताता हूं इसका क्या सिग्निफिकेंस है फॉर्मूले का।
ठीक। देखो तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है बताएं, कैसे ये क्या फॉर्मूला है और कैसे यूज करना है, मिटा दूं इसे एक मिनट। तो देखो ऐसे कर लेता हूं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको अर्थ का मास गिवन है और आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास गिवन है और आर डिस्टेंस अपार्ट है, मैंने आपसे ये पूछा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आपने बोला माइनस GMM बाय आर, डन हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा आपको अर्थ गिवन है, आपको अर्थ की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल गिवन होगा, ना आपको आर गिवन होगा ना आपको अर्थ का मास गिवन होगा, लेकिन अर्थ का पोटेंशियल गिवन है यहां पे, और साथ में आपको यह कहा जा रहा है एक बॉल पड़ी हुई है, पॉइंट मास पड़ा हुआ है m, बताओ अर्थ की और पॉइंट मास की एनर्जी बोलो सिस्टम की क्या होगी। अब एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या याद किया हुआ है, माइनस GMM बाय r, पर आपको मास तो गिवन नहीं, कोई बात नहीं, आप एनर्जी को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो m into v, तो जो बॉल का मास है उसको अर्थ के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी, ये रिजल्ट ऐसे काम आएगा। तो क्लियर है यहां तक, तो किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल पे अगर मास पड़ा हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। मतलब दो तरीके एनर्जी निकालने के, ये तो था ही था, ये एक नया तरीका आपको पता लगता है। कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे ये सेम चीज ना प्लस टू के अंदर भी सिखाई जाती है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूज करते हैं, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूज करते हैं, जैसे वोल्ट्स में यूज करते हैं ना पोटेंशियल वोल्टेज, उसमें मास नहीं होता उसमें चार्ज होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पता है क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, शायद केमिस्ट्री में सुनी हो चार्ज इंटू पोटेंशियल, नहीं सुना अभी सुना देता हूं। मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ई, और उसको मैंने 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे रखा, तो उसके पास एनर्जी पता है कितनी दी मैंने, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप सुनते होंगे केमिस्ट्री में ईवी, यहां से आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉलेज के लिए बताया, चाहिए नहीं मुझे कुछ भी, अभी वैसे बता रहा हूं कि मतलब चीजें कैसे चलती हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एनर्जी कैसे निकल सकती है, तो ऐसे ही मास इंटू पोटेंशियल करोगे इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। पहला रिजल्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब दूसरा इसी का एक्सटेंडेड रिजल्ट नोट करवा के देखो क्या। सपोज ये पॉइंट नंबर वन, सपोज ये पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन पे अर्थ की वजह से पोटेंशियल वी वन, पॉइंट नंबर टू पे अर्थ की वजह से पोटेंशियल वी टू, बताओ वी टू बड़ा होगा कि वी वन बड़ा होगा, क्योंकि टू बड़ा होता है वन से। अच्छा, क्योंकि जितना ऊपर जाते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, याद है -10 -8 -7 -6 -2 इंक्रीज होता जा रहा है, तो सही बोले कि वी टू का पोटेंशियल वी वन के पोटेंशियल से तो बड़ा होगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो वी टू माइनस वी वन, राइट? क्या आपने 9th-10th में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में सुना कभी, क्या डेफिनेशन होती थी, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, सही। इसके अंदर क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय अर्थ का मास, नहीं बॉल का मास। सपोज करो आप एक बॉल को उठा के यहां से यहां ले आए पॉइंट मास को, तो आपको ऐसा करने में क्या करना पड़ा, वर्क, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, कितने पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखने में, उसको ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आप 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे गए तो यू हैव टू राइट फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिसिटी वाली डेफिनेशन है वर्क डन अपॉन मास इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए बोल रहा हूं कि प्लस टू की क्लास बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि मास को सिर्फ चार्ज से रिप्लेस करना है पहले मंथ में और कुछ करना ही नहीं है, ठीक।
क्या पॉइंट क्लियर है? ओके, अब इसको यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल के साथ कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। ठीक, देखें, देखो सपोज आपको एक क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये एक स्टार है, ये एक स्टार है और ये आर और ये आर डिस्टेंस है, राइट? तो ये बताओ कि इस पॉइंट पर दोनों स्टार्स का पोटेंशियल कितना है। यहां पे इस स्टार ने कितना लगाया? माइनस जी एम बाय, और इसने भी कितना लगाया? सेम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोनों स्टार्स ने इस ओ पॉइंट पर इतना पोटेंशियल लगाया, कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जब हम इनफिनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे इन्फिनिटी पे, तो बोलो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि आर जब इनफिनाइट हो जाएगा पोटेंशियल भी जीरो, कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है। आप एक ऑब्जेक्ट को स्मॉल एम को यहां से इंटरस्टीलर दूर भेजना चाहते हो, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क। तो कितने ऑब्जेक्ट को फेंकना है? स्मॉल एम को। तो वर्क डन अपॉन मास को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फाइनल पोटेंशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एम मास इनटू फाइनल पोटेंशियल जीरो, इनिशियल पोटेंशियल माइनस जी एम इनटू टू डिवाइडेड बाय आर। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जी एम एम इनटू टू डिवाइडेड बाय आर। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। आप वो वर्क डन करेंगे कैसे? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? उस ऑब्जेक्ट को इतनी काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एम से एम कैंसिल, वी निकाल लो, सेम आंसर आएगा। ठीक, क्या ये टेक्निक समझ में आई? कुछ स्टूडेंट बोले दूसरे बैच में, हमें कैसे क्लिक करेगा कि ऐसे करना था? तो मैंने कहा नो 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 नो, अब तो प्रैक्टिस भी नहीं है, प्लस वन में तो नहीं करता अभी, जल्दी जल्दी प्लस टू में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स हो जाएगा ना, उसमें रोज का काम है, 15-20 दिन यही काम करना है कि चार्ज को उठा के फेंकते रहना है, कभी यहां से वहां, वहां से यहां, तो रोज ही करते रहेंगे। तो फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि इस मास में ये फॉर्मूला लगेगा कैसे, खुद बना लेंगे कि जैसे चार्ज को फेंका जाता है वैसे ही मास को भी कर देंगे, अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। समझ में आया? तो इसलिए इतना स्ट्रेस ना लें कि हमें कैसे पता लगेगा, अपने आप पता लग जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, अभी नहीं क्लिक करेगा आपको ये टेक्निक। जब इस टेक्निक के ऊपर 50-100 क्वेश्चन हो जाएंगे प्लस टू के अंदर, तब आपका ब्रेन अपने आप ही सोचना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ, क्लिक नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा, थोड़े दिनों में अपने आप करना स्टार्ट हो जाएगा।
इस साल का जेई मेंस का एक और क्वेश्चन, एक बार प्लीज ट्राई करना। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था या उससे लास्ट लेक्चर में, जब एक रॉड थी, एक रॉड और एक पॉइंट मास के बीच में फोर्स निकालने को कहा था मैंने, आप ही की शीट में आप पढ़ के आए होंगे आज। तो मैंने कहा, कईयों ने कहा था कि रॉड के सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करो और सीधा फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा था रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं लेते, स्फेयर का ले लेते हैं, जब हमने शेल थ्योरम की थी। तो रॉड के लिए तो आपको स्मॉल मास लेना पड़ेगा, इस रॉड ने इस पॉइंट मास पे कितनी फोर्स लगाई ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है, L लेंथ है, x is equal to a से स्टार्ट होती है, x is equal to L plus a पे जाके खत्म होती है, और एक पॉइंट मास कहां पर पड़ा हुआ है, x is equal to 0। तो आपने इस रॉड की वजह से यहां पर फोर्स निकालनी है। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, किया हुआ हमने क्वेश्चन, पर इसके अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब लैम्डा या म्यू, यानी कि मास लेंथ डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। तो इस केस में काम करते हैं, स्मॉल मास लेते हैं डीएम, और ये मास है एम एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, स्मॉल फोर्स निकालते हैं जी इंटू एम इंटू डीएम बाई एक्स का स्क्वायर। डीएम मास कैसे निकलेगा, मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है dx, तो मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल मैंने म्यू डाल दिया, तो म्यू मास पर यूनिट लेंथ को कितने एलिमेंट का मास निकालना है dx का, इसको dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू इंटू dx क्या आएगा, dm, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो उसका मास आ गया। इस dm को उठा के यहां पे पुट कर दिया, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ क्वेश्चन में गिवन है a प्लस bx का स्क्वायर, ये रहा। और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, a से लेके l प्लस a तक, तो a से लेके a प्लस l तक इसे इंटीग्रेट करेंगे, gm बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, a कांस्टेंट b कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचा, x की पावर माइनस टू dx, यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, ये आंसर आएगा, मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल वाले नॉट फॉर मेडिकल लिख सकते हैं, लंबा है, ठीक। नॉन मेडिकल में तो आया हुआ है इस साल, तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि शायद ना आए। पर आप एक चीज नोट करो, जो क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं उसी को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर करके ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे, कुछ तो चेंज करके आएगा, ठीक।
ये क्वेश्चन नीट में उनकी शीट्स में भी था जो मैंने दी थी, ऐसा क्वेश्चन था क्वेश्चन, और मेंस वालों की भी शीट में था, दोनों में एक एक बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, कितनों ने ट्राई किया और हो गया? नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो प्लीज, और जिनका इनकम्प्लीट है, मैंने बाद में कंप्लीट लिखा है तो वो लिख लें प्लीज, ये निकालना है। इनकम्प्लीट तो नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, तो लिख लो प्लीज ये क्वेश्चन पढ़े।